हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको एक 30x40 फीट में बना हुआ साउथ फेस घर का वॉकथ्रू दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, एंड आपको जो है इसी तरह से और भी हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। ये जो है प्लान हमारे लोकल एरिया में बनाया गया था, एंड लातूर डिस्ट्रिक्ट से जो आर्किटेक्ट दिया हुआ है, जो इस क्लाइंट को दिया था, वही मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। एंड अगर आपको इसका ही सेम कंप्लीट घर का वॉक थ्रू देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा 30x40 साउथ फेस हाउस प्लान वॉक थ्रू। उस लिंक को नीचे लिंक है, उसको लिंक को क्लिक किए तो भी आपको पूरा वॉक थ्रू आप देख सकते हैं। एंड वो जो घर जो लिंक का मैं जो दिया हूँ ना, उसका फुल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको लगभग 20 लाख रुपीस तक खर्चा आया है। एंड ये देखिएगा, पार्किंग एरिया 14 फीट 2 इंच बाय 15 फीट एक पार्किंग एरिया है। एंड यहाँ पर जो है हॉल, हॉल का साइज आपको 10 बाय 15 फीट तक मिल रहा है। ये आपका मेन डोर एंड ये हॉल, ये जो कॉलम यहाँ पर ली गई है। ओके, पार्किंग एरिया 14 फीट 2 इंच बाय 15 फीट एंड ये आपका हॉल 10 बाय 15 फीट। फिर देखिएगा इधर किचन लिया गया, किचन का साइज़ आपको मिल रहा है 9 बाय 11 फीट 2 इंच किचन। काफ़ी सफिशिएंट जगह है, कंजेस्टेड भी नहीं है, बहुत ही सफिशिएंट वे में बनाया गया। ये आपका टॉयलेट 7 बाय 4 फीट में जो टॉयलेट WC कम बाथ मिल रहा है। एंड आप चाहे तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। यहाँ पर जो देखिएगा बेडरूम 9 बाई 10 फिट और इधर एक और एक बेडरूम है 10 बाई 11 फिट 6 इंच में, दूसरा वाला बेडरूम। एंड ये फुल वे में इस तरह से दिखेगा। ओके, इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको 20 लाख रुपीज़ इजीली आ जाएगा। जब आप घर बांधते गए ना तो आपको धीरे धीरे समझ में, बिकॉज सेम यही प्लान जो एग्जीक्यूट किया हुआ ऑलरेडी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड साइड में जो है 1.5 फिट का ऑफसेट जगह छोड़ा गया, एंड 1.5 फिट मतलब इसमें एक 6 इंच का कंपाउंड वॉल चले गए तो बाकी का जितना जगह है वो बच जाएगा आपको। यहाँ पर भी 1.5 फिट का ऑफसेट एरिया दिया गया, यहाँ पर देखिएगा 3 फिट 6 इंच ऑफसेट एरिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इमेजेस दिखाऊंगा इस घर का, या फिर वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से। देखिए व्यूअर्स, ये वहाँ का हॉल जो कि आप देख रहे हैं, हॉल काफ़ी सफिशिएंट और बेस्ट में बनाया गया। ये एंट्रेंस के ऊपर किस तरह से फर्श रखा गया, एंड ये रूम, रूम के अंदर शेल्व्स, रूम भी काफ़ी सफिशिएंट है, ऐसे ये नहीं है कि कंजेस्टेड वे में। एंड कॉर्नर में जो है एक हैंड वॉश लिया गया, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत खूबसूरत दिखेगा आपको ये रूम में। एंड ये जो लाइट्स है ना, सीलिंग में ही लिया गया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ फॉल सीलिंग नहीं बने, छत डालते हैं ना उस वक्त ही ये पॉइंट छोड़े गया। ओके, ये हैंड वॉश कॉर्नर में, बाथरूम में आ जाएगा ये वाला, ये डोर यहाँ पे भी, ये शेल्व्स इस तरह से लिया गया। ओके, ये इंडियंस वेस्टर्न सीटिंग, विंडो का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत और बेस्ट दिख रहा है देखने में भी। एंड ये आपका क्रीम कलर ये दीवार, यहाँ पे भी एक येलो कलर लिया गया, ये वाइट कलर का टाइल्स है। ये देखिएगा हॉल, यहाँ पे एक एडवांटेज है कि 2 फीट थोड़ा सा उनको जगह मिल गया था, उसकी वजह से हॉल का साइज 2 फीट ज़्यादा किया गया। देखिए फॉल सीलिंग डिज़ाइन उस घर का बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ओके, ये मेन डोर, ये कट्टा है, थैंक यू, थैंक यू।